एक दौर ऐसा हुआ करता था जब दिल्ली संसद भवन में बॉलीवुड के अभिनेताओं का ही सिक्का चला करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भोजपुरी के कलाकारों ने ये साबित कर दिया है कि हम सिर्फ बिहार, यूपी और झारखंड जैसे राज्यों में ही नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता पर भी राज कर सकते हैं। जब से भोजपुरी का दोबारा उदय हुआ है, बिहार की माटी से उठकर आसमान पर पैर पसारने वालों की लिस्ट में भोजपुरी बेल्ट से जो सबसे पहला नाम सामने आता है वो है मनोज तिवारी का। गायकी से सफर की शुरुआत करने वाले मनोज का शायद लक्ष्य ही था दिल्ली के संसद में सवाल दागना। पहली बार सफलता हाथ तो नहीं आई, लेकिन दूसरी बार मनोज तिवारी ने वो कर दिखाया जो वो करना चाहते थे, और ये साबित भी किया कि बिहारी किसी से भी कम नहीं है। चाहे तो दिल्ली पर राज कर सकते हैं, चाहे तो दिल्ली में बैठकर देश की सियासत को देख परख और समझ भी सकते हैं। इस कड़ी में अगला नाम आता है मामखोरी रवि किशन का, जो है तो मूलतः यूपी के जौनपुर से, लेकिन इन्हें पहचान दिलाई बिहार के लोगों ने। न सिर्फ दिलों में जगह दी बल्कि अब तो गोरखपुर वालों ने उन्हें सांसद भी बना दिया है। रवि किशन का यहाँ तक पहुँचने का सफर भी काफी लंबा और संघर्ष भरा रहा है। हाल ही में आजमगढ़ की सीट से जीत हासिल कर सांसद बनने वाले एक और भोजपुरी नाम निरहुआ का है, जिन्होंने इस बार कम से कम कलाकारों की इज्जत रख ली। हालांकि कलाकार और उनके पेशे को लेकर अखिलेश यादव के बयान के बाद खूब चर्चा भी हुई। सवाल ये है कि अब भोजपुरी में सबसे ऊपर चल रहे दो नाम रह जाते हैं, और इन नामों के साथ सवाल ये कि ये भी कब सांसद बनेंगे या कब राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएंगे। एक तो खेसारी लाल यादव हैं, जिनकी नजदीकियों की खबरें अखिलेश यादव के साथ सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर चुकी हैं। हालांकि खेसारी ऊपर से ही सही, लेकिन कहते रहते हैं कि वो राजनीति में नहीं जाएंगे। खैर, ये तो वक्त बताएगा। दूसरा नाम है पवन सिंह का। खांटी भोजपुरी बेल्ट आरा से ताल्लुक रखने वाले पवन सिंह को लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगली बारी उनकी ही है। इस बात को दिनेश लाल यादव भी सांसद बनने के बाद कह चुके हैं, और पवन सिंह का नाम मीडिया में खुले तौर पर ले भी चुके हैं। पवन सिंह पहले से ही बीजेपी के नेता हैं और पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी चुनाव में आपने उन्हें करते देखा होगा, और माना ये जा रहा है कि पवन सिंह भी अब खुद को तैयार करने लगे हैं, क्योंकि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ऐसे ही कुछ नहीं कह देते। जब उन्होंने ये बात कही है तो पवन सिंह के मन को टटोलने और समझने के बाद ही कही होगी। अब पवन सिंह चूंकि बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं, और तमाम जितने भी नेताओं के हमने आपको नाम बताए हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि भोजपुरी के जितने कलाकारों के नाम आपने सुने हैं, ये तीनों कलाकार हाल फिलहाल में बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते हैं और सांसद बने हैं। पवन सिंह भी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में चुनावी सरगर्मी जब बढ़ेगी तो पवन सिंह को लेकर भी नया खुलासा होगा, और ये खुलासा उनके राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय होने और चुनाव लड़ने को लेकर हो सकता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।